हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और मैं कार्तिक लास्ट ईयर हैदराबाद अपने ऑफिस गया था। ये छोटी सी सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। इसमें मैं आपको अपनी हैदराबाद की जर्नी और साथ में वहाँ आसपास जो भी घूमने की हैदराबाद में जगह है, जहाँ जहाँ मैं गया, तो वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो लास्ट ईयर जुलाई में जो है मैं हैदराबाद गया था, और लुधियाना से चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए तो मैं टैक्सी से ही गया। वहाँ जाके विपिन, मेरा जो एक ऑफिस में साथ में फ्रेंड है, तो वो मुझे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मिल गया। और वहाँ से हमारी फ़्लाइट जो थी वो विस्तारा की दिल्ली के लिए, और दिल्ली से ही आगे हैदराबाद के लिए सेम विस्तारा की फ़्लाइट थी। तो फ़्लाइट तो ऑफिस वालों ने करा के दी थी, बट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो हमारा प्लेन था वो आधा घंटा लेट पहुँचा। और क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे का ही उनमें डिफरेंस था दोनों फ़्लाइट्स में, तो जब हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ जाके हमें थोड़ी सी भागा दौड़ी करनी पड़ी अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो फ़्लाइट से कुछ एस्थेटिक बादल दिख रहे थे, और फ़्लाइट तो छोटी सी थी चंडीगढ़ से, कब हम लोग दिल्ली पहुँचे ज़्यादा पता नहीं चला। ऐसा लगा हम ऊपर गए और साथ ही हम लोग नीचे भी वापस आ गए। जिस टाइम हम लोग लैंड करे उसी टाइम जो था हमारी अगली फ़्लाइट का चलने का टाइम था। और दिल्ली एयरपोर्ट क्योंकि बहुत बड़ा है, तो अपनी जहाँ हमारी फ़्लाइट ने उतारा और वहाँ से जहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी, तो काफ़ी दूर थे वो दोनों। और इसीलिए ये जो येलो शर्ट में आप देख रहे हैं मेरा दोस्त है, तो हमें भाग भाग के जाना पड़ रहा था अपना दूसरा प्लेन पकड़ने के लिए। उन्होंने एयरपोर्ट पे भी जगह जगह अपने विस्तारा वालों ने बंदे खड़े करे हुए थे, सो वो भी गाइड कर रहे थे कि जिसको भी उस फ्लाइट में जाना है वो फटाफट यहाँ से भाग के जाओ। सीधा सीधा यहीं पर तब इतनी बस रहे हैं, यही तो मजा, यही तो याद रहेगा। हैदराबाद वालों के जाने की प्रायोरिटी ये लोग सिक्योरिटी चेक इन कर रहे थे, और उसके बाद ही हम लोग वहाँ से निकले। और आगे जब हम गए तो फटाफट भागने के चक्कर में हम दोनों को पता ही नहीं चला कि हम फ़्लाइट पकड़ने के जगह गलती से फूड कोर्ट में चले गए थे। और सिर्फ हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ पे और भी लोग थे जिन्होंने ऐसी गलती करी थी। तो जल्दी जल्दी में भाग दौड़ी में ये सब भी हो जाता है। 29 और ये दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली कोई एयरपोर्ट से ज़्यादा एक शॉपिंग मॉल की तरह ही लगता है। जहाँ जाओ इतनी दुकानें इतनी दुकानें, समझ ही नहीं आता कि गेट कहाँ से है आपका। तो इन साइंस को बहुत ध्यान से फॉलो करना, और आप भी कभी जल्दी जल्दी में हो तो बहुत ध्यान से साइंस फॉलो करके जाना, नहीं तो आप भी हमारी जगह कहीं फूड कोर्ट में ना पहुँच जाना। ऊपर चढ़ना अभी। और फाइनली इतना हसल करने के बाद हम लोग जाके अपनी फ़्लाइट में पहुंच गए। और ये जो फ़्लाइट थी हमारे ही इंतज़ार कर रही थी, जो चंडीगढ़ से लोग आए हुए थे। 40 लोग थे जिन्होंने इस फ़्लाइट में ट्रैवल करना था, इसीलिए इस फ़्लाइट को भी इन्होंने रोक के रखा था एयरपोर्ट पे। और विस्तारा की एक अच्छी बात कि आपको यहाँ खाने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी होता है, तो कोई ना कोई आप मूवी देख के अपना टाइम पास तो कर ही सकते हो विस्तारा में, अगर आप जा रहे हो तो। जो चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट थी वो शायद सिर्फ 40 या 45 मिनट का ही फ़्लाइट टाइम था, बट दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट अराउंड 3 घंटे की थी। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी थी, इसीलिए इस टाइम पे अगर आपके साथ कुछ देखने के लिए ना हो तो आप फ़्लाइट में बिल्कुल ही बोर हो जाओगे। और फाइनली हम लोग रात को हैदराबाद पहुँच गए। Thank you.
हैदराबाद पहुंच गए, लेकिन हमारा सामान जो था वो दिल्ली ही रह गया। किंग वाला सीन हो गया है, ए विपिन सिंगिस किंग वाला सीन हो गया एक्सेल में। वो देखो हाथ हिला रहा है। पिलर नंबर 8 जाना है, पिलर नंबर 8 देखना, 3, 8, 9 उधर है। आईडी को बोल वापस जाने की करवा रहे फ्लाइट। हमारा बैग नहीं आया भाई, हमारे बैग नहीं है, हमें पहनने को कपड़े नहीं। अरे मेरे को ना खुद उस टाइम डाउट हो रहा है, बीच में जब मैं बैठा ना इसने मेरे को बताया, मैंने कहा यार ये क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता, तेरा नहीं आया तो मेरा भी नहीं आना था। अपने वहां नहीं ना ऐसा होता, फाइनली हम लोग अपने होटल रात को पहुंच गए थे, पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद। इस होटल में हम अगले एक महीने के लिए रहने वाले थे और ये कंपनी की तरफ से स्टे प्रोवाइडेड था। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में रूम टूर भी दिखाऊं। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून ऑन आवर चैनल। थैंक यू।